स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल द फिल्मी तड़का पर। तो दोस्तों आज हम एक बार फिर से लेकर आ चुके हैं साउथ के टॉप एट बेस्ट सस्पेंस मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर एक्टिविटी बेस्ड मूवी, जिनके स्टोरी लाइन में आपको एक यूनिक कॉन्सेप्ट वाली मूवी देखने को मिलने वाली। और साथ ही साथ यह सभी मूवीज आपको सस्पेंस की कमी बिल्कुल ही महसूस नहीं होने देगी। और आज के वीडियो की सबसे अच्छी बात यह है कि आज हम आपको जितनी ही मूवीज के बारे में बताएंगे उन सभी मूवीज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगी, तो एक बार जाकर चेक जरूर करें। तो अब आगे वीडियो में बढ़ने से पहले दोस्तों हमारी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप ऐसे ही लगातार वीडियोस का अपडेट पाते रहें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी टाइम को वेस्ट किए। तो दोस्तों हमारी आज के वीडियो में नंबर 8 की प्लेस पे जो मूवी आती है वह 2024 की रिलीज एक बेहतरीन मिस्ट्री थ्रिलर एक्टिविटी बेस्ड मूवी होने वाली है। जी हां दोस्तों, इस मूवी का नाम है सायरन और इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.3 है आउट ऑफ 10, जो एक बेहतरीन रेटिंग मानी जाती है। यह तमिल लैंग्वेज की मूवी है जिसे हिंदी पे भी सेम नाम से रिलीज किया गया। बात करें फिल्म की कहानी की तो इसमें हमें थिलगन नाम के एक बहुत ही ईमानदार एम्बुलेंस ड्राइवर के बारे में दिखाया गया, जिसे अपनी वाइफ जेनिफर और अपने दोस्त कातिल की मौत के झूठे इल्जाम में फंसाकर आजीवन कारावास के लिए भेज दिया जाता। हालांकि फिल्म की कहानी में ट्विस्ट आता है जब जेल में अच्छे व्यवहार के चलते थिलकन कुछ दिनों के लिए जेल से रिहा किया जाता है तो वह अपनी वाइफ और अपने दोस्त के असली कातिल को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। अब आगे मूवी में देखने जा होता है कि क्या थिलकन असली कातिल को ढूंढ पाता है या नहीं, और इवन वाला कौन होता है जो थिलकन को झूठे केस में फंसाते हैं। सब जानने के लिए आप एक बार मूवी को ट्राई जरूर करें। देखा जाए तो दोस्तों एक ऐसी मूवी होने वाली है जिसमें अगर आपने 5 मिनट का भी सीन मिस किया तो यह मूवी आपको पूरी तरीके से कंफ्यूज कर रख देने वाली है। और अगर आप यह मूवी देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको यूट्यूब पे हिंदी में देखने को मिल जाएगी और इस मूवी का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, तो एक बार जाके चेक जरूर करें। दोस्तों अब हमारी आज की वीडियो में नंबर 7 के प्लेस पे जो मूवी आती है वह 2022 की रिलीज एक बेस्ट हॉरर मिस्ट्री ड्रामा एक्टिविटी बेस्ड मूवी होने वाली है। जी हां दोस्तों, इस मूवी का नाम है कुमारी और इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.4 है आउट ऑफ 10, जो एक ठीक ठाक रेटिंग मानी जाती है। यह एक मलयालम लैंग्वेज की मूवी है जिसे हिंदी में भी सेम नाम से रिलीज किया गया। बात करें फिल्म की कहानी की तो इसमें हमें कुमारी नाम की एक लड़की के बारे में दिखाया गया, जिसकी शादी उसके घर से दूर कानी रंगत नाम की एक जगह पर कर दी जाती है। हालांकि फिल्म की कहानी में ट्विस्ट आता है जब कुमारी को शादी के बाद कानी रंगत के एक ट्रेडिशन के बारे में पता चलता है। इसमें लोग अपनी जान भी देने के लिए तैयार रहते हैं तो कुमारी को उस ट्रेडिशन की वजह से कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अब आगे मूवी में देखने जा होता है कि क्या कुमारी काले रंगत के उस अजीब से ट्रेडिशन को अपना पाती है यानी, और इवन उसे उस ट्रेडिशन की वजह से किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है, यह सब जानने के लिए आप एक बार इस मूवी को ट्राई जरूर करें। हालांकि दोस्तों मूवी की स्टोरी काफी बेहतरीन होने वाली है जिसमें आपको फर्स्ट हाफ तक बहुत ज्यादा मजा आने वाला है, लेकिन जैसे जैसे यह मूवी अपने सेकंड हाफ तक पहुंचती है यह मूवी थोड़ी प्रेडिक्टेबल हो जाती है, जो इस मूवी का यह नेगेटिव पॉइंट बन जाता है। लेकिन अगर आप यह मूवी देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको YouTube पे हिंदी में देखने को मिल जाएगी और इस मूवी का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो एक बार जाके चेक जरूर करें। तो दोस्तों अब नंबर 6 की प्लेस में हमारी जो मूवी आती है वह 2021 की रिलीज एक खतरनाक थ्रिलर ड्रामा एक्टिविटी बेस्ड मूवी होने वाली है। जी हां दोस्तों, इस मूवी का नाम है AAD इन्फिनिटम और इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.1 है आउट ऑफ 10, जो बेहतरीन रेटिंग मानी जाती है। यह एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी है जिसे हिंदी में भी सेम नाम से रिलीज किया गया। फिल्म की कहानी में हमें नितिन नाम के एक व्यक्ति के बारे में दिखाया गया जो एक एक्सीडेंट के चलते अपनी याददाश्त खो बैठता है, जिस कारण उसे एक NGO द्वारा बचाया जाता है। हालांकि याददाश्त खो देने के बाद नितिन अपना नाम संजीव रखकर अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करता है, लेकिन फिल्म की कहानी में ट्विस्ट आता है जब नितिन को अपने पास्ट से रिलेटेड कई डरावने सपने आने लगते हैं तो नितिन बहुत ही बुरी तरीके से डर जाता है। अब आगे मूवी में देखने जा होता है कि आखिर नितिन के पास्ट में ऐसा क्या हुआ होता है इसकी वजह से वह डर जाता है, और इवन क्या नितिन की याददाश्त वापस आ पाती है या नहीं, जानने के लिए आप एक बार इस मूवी को ट्राई जरूर करें। दोस्तों अगर आप एक बेहतरीन मिस्ट्री सस्पेंस मूवी देखना चाहते हो तो यह मूवी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होने वाली है, और अगर आप यह मूवी देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको यूट्यूब पे हिंदी में देखने को मिल जाएगी और इस मूवी का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो एक बार जाके चेक जरूर करें। गाइज हमारी आज की वीडियो में नंबर 5 के प्लेस पे जो मूवी आती है वह 2024 की रिलीज एक दमदार साइंस फिक्शन थ्रिलर एक्टिविटी बेस्ड मूवी होने वाली है। जी हां दोस्तों, इस मूवी का नाम है आयालन और इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.1 है आउट ऑफ 10, जो एक ठीक ठाक रेटिंग मानी जाती है। यह एक तमिल लैंग्वेज की मूवी है जिसे हिंदी में भी सेम नाम से रिलीज किया गया। बात कर फिल्म की कहानी की तो इसमें हमें एक एलियन के बारे में दिखाया गया जो गलती से अपने प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट चला जाता है। हालांकि 4 दोस्तों का एक ग्रुप उस एलियन को उसे अपने प्लैनेट पे भेजने में उसकी हेल्प करते हैं, लेकिन फिल्म की कहानी में ट्विस्ट आता है जब कुछ साइकोपैथ साइंटिस्ट उस
एलियन को पकड़ने के लिए निकलते हैं तो वह एलियन और उन चार दोस्तों का ग्रुप एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। अब आगे मूवी में देखने यह होता है कि आखिर वह एलियन अपने प्लैनेट से दूसरे प्लैनेट कैसे आ जाता है और इवन क्या वह चार दोस्त और एलियन उन साइंटिस्ट से बच पाते हैं। ये जानने के लिए आप एक बार इस मूवी को ट्राई जरूर करें। दोस्तों अगर आप एक यूनिक कॉन्सेप्ट वाली मूवी देखने वालों में से तो यह मूवी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होने वाली, जो आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होने देगी। तो अगर आप यह मूवी देखना चाहते हो तो यह मूवी आपको यूट्यूब पे हिंदी में देखने को मिल जाएगी और इस मूवी का लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो एक बार जाके चेक जरूर करें। मर के दिखुदा बाड़ के दिखुदा जाओ मर के वस्तदा बाड़ के रादा। तो दोस्तों हमारी वीडियो नंबर 4 की प्लेस पे जो मूवी आती है वह 2019 की रिलीज एक बेस्ट एक्शन ड्रामा एक्टिविटी बेस्ड मूवी होने वाली है। जहाँ दोस्तों इस मूवी का नाम है बेलम पोड़ी और इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.7 है आउट ऑफ 10, जो एक ठीक ठाक रेटिंग मानी जाती है। यह एक तेलुगु लैंग्वेज की मूवी है जिसे हिंदी में भी सेम नाम से रिलीज किया गया है। फिल्म की कहानी में हमें रवि नाम के एक ऑटो चालक के बारे में दिखाया गया जो एक गाँव के मुखिया की बेटी कल्याणी से प्यार करता है। हालांकि फिल्म की कहानी में ट्विस्ट आता है जब वह गाँव के मुखिया मरते टाइम रवि को कल्याणी के बारे में एक ऐसा सच बताता है जिसकी वजह से रवि का जीवन पूरी तरीके से बदल जाता है। बाकी मूवी में देखना यह होता है कि आखिर में मुखिया मरते टाइम अपनी बेटी कल्याणी के बारे में रवि को क्या बताता है और इवन के रवि उस मुखिया की बात सुनने के बाद कल्याणी से प्यार करता है नहीं, ये जानने के लिए आप एक बार इस मूवी को ट्राई जरूर करें। देखा जाए तो दोस्तों यह मूवी आपको देखने और सुनने में जितनी सिंपल और नॉर्मल लग रही है उतनी ही बेहतरीन और इंगेजिंग होने वाली है। और अगर आप यह मूवी देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको यूट्यूब पे हिंदी में देखने को मिल जाएगी और इस मूवी का लिंक आपको वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो एक बार जाकर चेक जरूर करें। दोस्तों हमारी आज की वीडियो में नंबर 3 की प्लेस पे जो मूवी आती है वह 2022 की रिलीज एक बेस्ट थ्रिलर ड्रामा एक्टिविटी बेस्ड मूवी होने वाली है। जहां दोस्तों इस मूवी का नाम है कुडुकू 2025 और इस मूवी की IMDb रेटिंग 3.8 है आउट ऑफ 10। यह एक मलयालम लैंग्वेज की मूवी है जिसे हिंदी में भी सेम नाम से रिलीज किया गया है। बात करें फिल्म की कहानी की तो इसमें आज के नए जमाने की टेक्नोलॉजी और गैजेट्स के बारे में दिखाया गया है कि कैसे उसने आम लोगों की जिंदगी को पलट के रख दिया है और उनसे उनकी प्राइवेसी भी छीन ली। हालांकि दोस्तों यह कंफ्यूज करके रख देने वाली मूवी है जो यह दर्शाने की कोशिश करती है कि आजकल टेक्नोलॉजी कितनी खतरनाक हो सकती है और इवन मॉडर्न युग में किसी की प्राइवेसी छीन लेना कितना खतरनाक साबित हो सकता है। हालांकि दोस्तों यह मूवी हमें दो अलग अलग स्टोरी के माध्यम से बहुत कुछ कहने की कोशिश करती है जिसे आपको एक बार ट्राई जरूर करना चाहिए। अगर दोस्तों आपको लव रोमांस ड्रामा हॉरर सस्पेंस का एक परफेक्ट कॉम्बो देखना काफी पसंद है, यह मूवी आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट होने वाली है। इसे आपको किसी भी हाल में मिस नहीं करनी चाहिए। और अगर आप यह मूवी देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको यूट्यूब पे हिंदी में देखने को मिल जाएगी और इस मूवी का लिंक आपको वहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो एक बार जाके चेक जरूर करें। गाइस अब आज की काउंटडाउन में नंबर 2 की प्लेस पे जो मूवी आती है वह 2024 की रिलीज एक खतरनाक एक्शन थ्रिलर एक्टिविटी बेस्ड मूवी होने वाली है। जहां दोस्तों इस मूवी का नाम है जोशुआ और इस मूवी की IMDb रेटिंग 5.1 है आउट ऑफ 10, जो एक एवरेज रेटिंग मानी जाती है। यह एक तमिल लैंग्वेज की मूवी है जिसे हिंदी में भी सेम नाम से रिलीज किया गया है। फिल्म की कहानी में हमें जोशुआ नाम के एक फॉर्मर पेड असैसिन के बारे में दिखाया गया जिसे कुंदवी चिदंबरम नाम के एक वकील को प्रोटेक्ट करने का काम मिलता है। हालांकि फिल्म की कहानी में ट्विस्ट आता है जब कुंदवी एक ऐसा केस ले लेती है जिसकी वजह से कुछ ड्रग माफिया उसकी जान के पीछे पड़ जाते हैं तो कुंदवी एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाती है। अब आगे मूवी में देखने जो होता है कि क्या जोशुआ कुंदवी को उन ड्रग माफिया से बचा पाता है नहीं और इवन और ड्रग माफिया कुंदवी के किस केस की वजह से उसकी जान के पीछे पड़ जाते हैं, सब जानने के लिए आप एक बार इस मूवी को ट्राई जरूर करें। देखा जाए तो दोस्तों फिल्म की कहानी काफी दमदार होने वाली है जिसमें आपको एक के बाद एक कई सारे ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिल जाते हैं जो इस मूवी को और भी बढ़िया बनाती है। और अगर आप यह मूवी देखना चाहते हैं तो मूवी आपको यूट्यूब पे हिंदी में देखने को मिल जाएगी और इस मूवी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो एक बार जाके चेक जरूर करें। तो दोस्तों अब हमारी आज की वीडियो में नंबर 1 की प्लेस पे जो मूवी आती है वह 2023 की रिलीज एक बेस्ट सस्पेंस थ्रिलर ड्रामा एक्टिविटी बेस्ड मूवी होने वाली है। जहां दोस्तों इस मूवी का नाम है पली मनी और इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.8 है आउट ऑफ 10, जो अच्छी रेटिंग मानी जाती है। यह एक मलयालम लैंग्वेज की मूवी है जिसे हिंदी में भी सेम नाम से रिलीज किया गया है। फिल्म की कहानी में हमें फैमिली के 3 सदस्यों के बारे में दिखाया गया जिन्हें किसी रीजन के चलते आधी रात को एक बहुत ही पुराने चर्च में रहने के लिए फोर्स किया जाता है। हालांकि कहानी में ट्विस्ट आता है जब इन सभी चीजों के साथ एक साइको किलर भी उस फैमिली के 3 सदस्यों पीछे पड़ जाता है तो उस फैमिली के 3 सदस्यों की जान खतरे में आ जाती है। अब आगे मूवी में देखने यह होता है कि आखिर उस फैमिली को एक बहुत ही पुराने चर्च में रुकने के लिए क्यों फोर्स किया जाता है और इवन वह साइको किलर भी उस फैमिली के पीछे क्यों पड़ जाता है, ये सब जानने के लिए आप एक बार इस मूवी को ट्राई जरूर करें। अगर दोस्तों आपको सस्पेंस और थ्रिल से भरपूर मूवी देखना काफी पसंद है तो मूवी आपके लिए मस्ट वॉच होने वाली है। और दोस्तों इस मूवी का हर एक सीन इतना एंगेजिंग होने वाला है जो आपको शुरू से लेकर एंड तक बोर होने का मौका बिल्कुल भी नहीं देने वाली। और अगर आप यह मूवी देखना चाहते हैं तो यह मूवी आपको यूट्यूब पे हिंदी में देखने को मिल जाएगी और इस मूवी का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो एक बार जाके चेक जरूर करें। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की साउथ की टॉप 8 बेस्ट सस्पेंस मिस्ट्री क्राइम थ्रिलर एक्टिविटी बेस्ड मूवी जिनकी स्टोरी लाइन में आपको एक यूनिक कॉन्सेप्ट वाली मूवी देखने को मिलने वाली। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में।